आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतिशतता से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। परसेंटेज से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सवाल है कि पूजा ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण अंक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, यानी कि 20% अंक प्राप्त किए, 72 नंबरों से फेल हो गई, 72 नंबर कम मिले इसीलिए फेल हो गई, और पास होने के लिए कम से कम 30% नंबर होने चाहिए थे। तो यहाँ पर पूछा गया यह है कि कुल पेपर कितने नंबर का था। तो कुल पेपर कितने नंबर का था यह ज्ञात करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर कि 20% नंबर तो पूजा ने हासिल किए और पास होने के लिए कम से कम 30% नंबर चाहिए थे, लेकिन उसे 72 नंबर कम मिले, यानी कि 30% माइनस 20% इक्वल टू 10%, यानी कि 10% नंबर कम मिले इसीलिए वह फेल हो गई, और उसे टोटल कितने नंबर कम मिले यानी कि पास होने के लिए चाहिए थे 72 नंबर और चाहिए थे। यदि उसे 72 नंबर और मिल जाते तो वह पास हो जाती, यानी कि 72 कितने के बराबर है, 10% के बराबर है। जब 72 10% के बराबर है तो 72/10 × 100, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे पेपर का मार्क्स पूछा गया है कि यानी कि पूरे पेपर कितने नंबर का था, तो 72/10 × 100 = 720, यानी कि पूरा पेपर 720 नंबर का था, उसमें से 20% नंबर प्राप्त किए, यदि 72 नंबर ओले आती तो वह पास हो जाती। तो इसी प्रकार इन सभी सवालों को सॉल्व करना है, और यदि आपको कोई सवाल ना आए तो नीचे कमेंट कर देना, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और यदि YouTube चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।